सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करे गए एक लिमिटेड शो जिसका नाम है थर्सडेज वीडियोस। एंड इस शो को देखने के बाद पर्सनली अभी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बिना स्पॉइलर के आप लोग को बताएंगे, तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे वीडियो देन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, थर्सडेज वीडियोस जो सीरीज है वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कैटेगरी का शो है। एंड इस शो के अंदर आप लोग को जो स्टोरी है वो इधर ही शुरू होकर खत्म होती हुई भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक लिमिटेड सीरीज है। एंड ये मेरे को अच्छा लगता है लिमिटेड शोज में कि आप लोग को भाई अगले सीजन का वेट करना नहीं पड़ता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, तो इस शो के अंदर आप लोग को स्टोरी एक ऐसी लेविश कम्युनिटी की देखने को मिलती है जिनके लिए उनका स्टैंडर्ड ही सब कुछ है। एंड वो उसके लिए अपनी औकात से ज्यादा भी खर्च करने को तैयार होते हैं। एंड इसी कम्युनिटी की आप लोग को मल्टीपल फैमिलीज की जो स्टोरी है वो इस शो के अंदर प्रेजेंट करी गई है, जिनकी लाइफ बाहर से देखने में तो काफी ज्यादा परफेक्ट नजर आती है, बट अंदर से भाई इनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा खोखली है। एंड ये लोग दिखाते कुछ है लेकिन इनका सीन होता कुछ और ही है। एंड ये जो मेरे को प्राइम एग्जाम्पल लगा उस लाइन का, जो कि है मनी कांट बाय हैप्पीनेस, सिर्फ पैसे से ही आप खुशियां नहीं खरीद सकते हो, उसके लिए इमोशंस एंड बाय एक ट्रस्ट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। जो कि आप लोग को लगेगा कि हाँ, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा लाइक डगमगाया हुआ होता है। अब इस शो की जो मेन स्टोरी है वो आप लोग को तब स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी जब ट्रेसा को भाई स्विमिंग पूल के अंदर तीन जो डेड बॉडीज है वो देखने को मिलती है, जो की इन्हीं फैमिली से बिलोंग करती है। अब ये जो डेड बॉडीज स्विमिंग पूल के अंदर है, इन लोग की मौत कैसे हुई, क्या ये कोई हादसा था या फिर किसी की साजिश थी, अगर आप लोग को ये सब जानना है आप लोग को इस शो को चेकआउट करना पड़ेगा। टोटल इस सीरीज के अंदर आप लोग को भाई 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं। सभी की लेंथ आप लोग को 40 से 47 मिनट के बीच की प्रेजेंट करी गई है। मेरे को लगता है कि आप लोग आराम से एक दिन के अंदर इस शो को देखकर खत्म कर पाओगे। एंड यस, ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिलता है एंड इसकी हिंदी डबिंग मेरे को काफी अच्छी लगी है। अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो भाई मेरे को शो ठीक ठाक लगा है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही बेकार शो है, लेकिन इसको आप लोग बहुत तगड़ा शो भी नहीं बोल सकते हो। काफी सारे लूप होल्स हैं इस सीरीज के अंदर, प्लस इसी के साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को कि अगर मेकर्स को कट भी कर देते तो कुछ खास फर्क ना पड़ता। अब देखो 6 एपिसोड की सीरीज है, लेकिन इसके अंदर आप लोग को भर-भर के सेक्स सीन्स एंड न्यूड सीन्स देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई आप लोग इस शो को अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। ए रेटेड कैटेगरी का शो है, तो अगर आप लोग 18 प्लस हो तभी इस शो को चेकआउट करना, अदरवाइज आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऐसे सीन्स देखने को मिल सकते हैं जिससे आप लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हो। लास्ट में अगर मैं इस शो को अपनी रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच सीरीज है, तो आप लोग एक बार को अपना टाइम देकर इस शो को अपने हिसाब से रेट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग ने इस शो को देखकर खत्म कर लिया है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग को शो कैसा लगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।